अंतरिक्ष में अगर आज इंसान जा रहा है तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट लाइका नाम की एक डॉगी को जाता है। लाइका स्पेस में ट्रेवल करने वाली पहली एनिमल थी। लाइका से पहले कुछ इंसेक्टस और एल्बर्ट वन नाम के एक बंदर ने भी स्पेस ट्रेवल की थी, लेकिन वो सिर्फ अर्थ की सब ऑर्बिटल सीमा तक ही पहुंच पाए थे। इसीलिए एक्चुअल स्पेस में सफर करने वाले पहले जानवर का खिताब लाइका के नाम रहा। सन 1950 ये वो दौर था जब इंसान स्पेस में जाने के लिए बेताब था, और इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस मिशन आयोजित किया जो इंसान को स्पेस में भेजने से पहले जानवर को वहां पर भेजकर किए जाने वाला एक्सपेरिमेंट था। इस मिशन का मकसद बस ये जानना था कि क्या आउटर स्पेस में कोई जीव जिंदा रह सकता है या नहीं। और इसके लिए रशियन वैज्ञानिकों ने मॉस्को की सड़कों से एक 3 साल की आवारा फीमेल डॉगी लाइका को लिया, और 3 नवंबर 1957 के दिन उसे स्पुतनिक 2 नाम के स्पेस क्राफ्ट में बैठाया गया। ये एक ऐसा सुसाइड मिशन था जो मानवता के लिए बड़ा बलिदान साबित हुआ। इसे सुसाइड मिशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि लाइका का धरती पर जिंदा वापस लौटना संभव नहीं है। उन्होंने जो अंतरिक्ष यान बनाया था उसमें तकनीकी खामियां थी। तकनीकी रूप से वो रॉकेट इतना सक्षम नहीं था कि धरती पर वापस लौट सके। दरअसल हुआ ये था कि सोवियत लीडर क्रुश्चोफ की डिमांड पर जल्दबाजी में रॉकेट को तैयार किया गया था। जल्दबाजी की वजह से उसको तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम नहीं बनाया जा सका था। पहले जो योजना बनाई गई थी उसमें पूरा इंतजाम करना था ताकि लाइका वापस धरती पर जिंदा लौट सके। ज्यादा एडवांस स्पुतनिक 2 के निर्माण पर काम चल रहा था, लेकिन दिसंबर से पहले उसको तैयार करना संभव नहीं था। क्रुश्चोफ ने इस मिशन को प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा। वे चाहते थे कि बोल्शेविक क्रांति की 40वीं जयंती पर मिशन को लॉन्च करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, जिसका जुर्माना उस बेचारे डॉग को भरना पड़ा था। स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन जनरेटर, कार्बन एब्जॉर्वर, फैन, एक हफ्ते का भोजन और हर वो चीज थी जो एक डॉग को जिंदा रखने के लिए चाहिए। ये सब चीजें वैज्ञानिकों ने 28 दिनों के अंदर तैयार की थी। अब देरी थी तो बस एक डॉग को ढूंढने की, और इसके लिए वैज्ञानिकों ने जानबूझकर गली के आवारा कुत्तों को चुना क्योंकि उनके अंदर बाकी घरेलू कुत्तों से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की आदत थी, जो कि इस स्पेस मिशन के लिए एकदम आइडियल था। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने लाइका को चुना, जो कि कैनिस ल्यूपस प्रजाति की एक फीमेल डॉग थी। लाइका को उसके शांत स्वभाव के कारण चुना गया था, और इसके बाद स्पेस में भेजने के लिए लाइका को ट्रेन किया गया। स्पुतनिक 2 का साइज वॉशिंग मशीन से थोड़ा बड़ा था। लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर खुद को जिंदा रखने के लिए ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए उसे छोटे छोटे पिंजरों में कई दिनों तक रखा गया, और देखते ही देखते लाइका की ट्रेनिंग खत्म हो गई और वो अब स्पेस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लाइका को अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले पूरा प्यार दिया गया। उसे अपने घर पर लाया गया ताकि वे अपने बच्चों के साथ खेल सके। मिशन पर रवाना होने से पहले टीम ने उसे गुड बाय कहा और उसकी नाक को चूमा, ये जानते हुए कि अब वे वापस कभी नहीं आने वाली। अंतरिक्ष में स्पुतनिक 2 की लॉन्चिंग के समय लाइका बहुत डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन और सांसें सामान्य से 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज चलने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। करीब 3 घंटे बाद उसकी हालत सामान्य पर लौटी। आखिर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया और वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ भी, पर टेक्निकल गलती की वजह से क्राफ्ट का एक हिस्सा उससे अलग नहीं हो सका, और इस कारण स्पेसक्राफ्ट में टेम्परेचर बढ़ने लगा। केबिन में गर्मी का पारा इतना बढ़ गया कि लाइका उसे सह नहीं पाई। वो गर्मी से लगातार 4 घंटों तक जूझती रही, और आखिर में असहनीय ताप ने लाइका की जान ले ली। लाइका की मौत के बाद स्पेसक्राफ्ट लगभग 5.5 महीने तक अर्थ के चक्कर लगाता रहा, और अंत में 14 अप्रैल 1958 के दिन क्राफ्ट अर्थ के वायुमंडल में दाखिल होते ही लाइका के शव के साथ जलकर राख हो गया। उसके बाद पूरे विश्व के लोगों ने लाइका के प्रति संवेदना व्यक्त की, और रशियन गवर्नमेंट ने लाइका को सम्मान देते हुए उसकी प्रतिमा भी बनवाई। कहा जाता है कि 60 के दशक में रशिया ने 57 कुत्तों को एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेस में भेजा था, जिनमें से कई मर गए तो कुछ वापस आई, और जो वापस आई उनको दोबारा स्पेस में भेजा गया। पर विश्व की आलोचना से बचने के लिए रशिया ने अपने सारे मिशन को जाहिर नहीं होने दिया। लाइका की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष से जुड़े एक रहस्य से पर्दा उठ गया था। अब साफ हो गया था कि किसी जीवित प्राणी को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। वैज्ञानिकों के समझ में आ गया कि अगर पूरी तैयारी के साथ स्पेस में जाया जाए तो फिर अंतरिक्ष में जिंदा रहना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो लाइका के इस कंट्रीब्यूशन के लिए एक लाइक तो बनता है, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।